أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم and welcome to our special Ramzan transmission जिसका नाम है बारान रहमत. मैं हूँ सिद्रा इकबाल और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी नेटवर्क की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद. आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहला रोज़ा है और यकीनन ये ऐसा एक रहमतों वाला महीना है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं. लेकिन इस दफ़ा का रमज़ान काफ़ी मुख्तलिफ़ भी है, बल्कि अगर देखा जाए कि पूरा एक महीना ही हमने बड़ी तकलीफ़ में काटा है, बड़ी आजिज़ी से अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया है कि हमारी मुश्किलें आसान हो सकें.
जो लोग बीमार हैं वो शिफायाब हों, जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके प्यारों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। और ये वबा जो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त अपना पंजा फैलाए बैठी है, इससे हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। अभी कुछ दिन पहले, दो दिन से मैं ये एक बहस सोशल मीडिया पे देख रही हूँ जिसमें बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पे आज़ाब है, यानी हमारी अपनी कोताहियाँ, हमारे अपनी जिन चीज़ों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, क्या उसकी वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी हमने मोल ले ली है। तो इस मामले पे जहाँ हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और यकीनन ये बात शुरू हुई कि क्या ये हमारी बेहयाई की वजह से है, हमारी ज़खीरा अंदोज़ी की वजह से है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी ना करने की वजह से आज हम अपने आप को इस मुश्किल में घिरा पाते हैं। तो मैं ऐसे इस मौके पे एक बहुत ही दाना का कॉल है, बड़ा ही अहम कॉल है, उससे रहनुमाई लेना चाहूँगी। पूछा ये गया कि कभी भी मुश्किल का वक्त आए तो हम ये कैसे पहचाने कि ये हमारी आजमाइश है या हमारी सज़ा। तो जवाब ये मिला कि अगर तुम अपने आप को अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब पाओ उस मुश्किल वक्त में तो ये तुम्हारी आजमाइश है, और अगर अपने आप से अल्लाह को दूर समझो, यानी उसकी तरफ रुजू ना कर पाओ, उसके हुजूर हाजिर ना हो पाओ, तो यकीनन ये तुम्हारी सज़ा है। तो यकीनन इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये 30 दिन, ये बहुत ही मुबारक महीना हमारे लिए एक तोहफ़ा है कि हम अल्लाह ताला को मना लें, अल्लाह ताला से लौ लगाएं ताकि ये आजमाइश जल्द अज़ जल्द कट जाए। लेकिन एक नज़र डालते हैं कि जब हम इस दुनिया की, इस मटेरियल दुनिया की रंगीनियों में गुम थे, क्या समा था। बल्कि अगर पिछले रमज़ान की ही बात करें तो शायद हमारा फोकस इबादात से ज़्यादा इस बात पे था कि आज इफ्तारी में क्या सामान होगा, कहाँ बाहर जाएंगे, ख़रीदारी करेंगे। और जो लोग अपनी दुकान लगा के बैठे थे वो भी चाहते थे कि इस महीने के एवज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। लेकिन आज अगर आपने नफ़ा कमाना है तो वो नफ़ा आपकी नेकियां होंगी। ज़रा एक नज़र डालते हैं कि पिछले रमज़ान में और इस रमज़ान में हमने क्या पाया और क्या खोया, किस तरह 2020 का ये रमज़ान तमाम रमज़ानों से बहुत मुख्तलिफ है। लेट्स टेक अ लुक। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। सब बहुत याद आता है, वो गले मिलना, मुसाफिहा करना, पुरजोश अंदाज में एक दूसरे को मुबारकबाद देना, सब बहुत याद आता है। मस्जिद में रौनकें बढ़ाना, सहर और अफ्तार का लुत्फ उठाना, सब बहुत याद आता है। मायूस नहीं हूँ मैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं, अल्लाह की रहमत से। न जाने कैसे वक्त बदल गया, 2020 आया और सब कुछ थम गया। अब रमजान फिर आ गया है, लेकिन हम इस साल रमजान को उस तरह से खुशामदीद नहीं कर सके जिस तरह करते थे, क्योंकि यहाँ तो सन्नाटों का राज है, सड़कें वीरान हैं, बाजार सुनसान हैं। इसी रमजान का वास्ता है, यारब आलम इंसानियत पर रहम कर दे, ये वबा खत्म कर दे। जी यकीनन ये रमज़ान बहुत मुख्तलिफ है। हम हमेशा कहते थे कि हमारी मसाजिद की रौनकें बहाल हो गईं, लोगों ने ख़रीदारी की, लोगों ने एहतमाम किया सहरी और इफ्तार का। लेकिन इस दफ़ा जब हम अपने घरों में महसूर हैं अपने प्यारों की हिफाजत के लिए, तो यकीनन हमें घरों में ही अपने लिए इबादत को और अल्लाह ताला की महाफिल का एहतमाम करना पड़ेगा। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो लॉकडाउन है उसको 9 मई तक उसको एक्सटेंड किया गया है, और बारह लोगों से ये गुजारिश की गई है कि मसाजिद यकीनन खुली हैं लेकिन तरावी का एहतमाम वो अपने घर में करें। कल रात की कुछ हमने न्यूज़ और क्लिप्स जब देखी तो सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी तरावी अदा की फैसल मॉस्क में, लेकिन वहाँ पे भी इन्हीं खसूसी SOPs का ख्याल रखा गया। इस वक्त हमारे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फिक्र माश में मुबतला हैं, लेकिन यकीनन ये रोज़े ये इबादत हमारा सहारा है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस रोज़े का क्या दौरानिया है। सबसे तवील तरीन दौरानिया तकरीबन 20 घंटे का है, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो वो भी 11.5 घंटे का है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। अल्लाहु 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 अल्लाहु
दुनिया भर में सहर अफ्तार का दौरानिया मुख्तलिफ है। इस साल सबसे तवील रोजे का दौरानिया 20 घंटों तक होगा, जबकि सबसे मुख्तसर दौरानिया 11 घंटे 30 मिनट तक होगा। नॉर्वे, ग्रीनलैंड, फिनलैंड के मुसलमान सबसे तवील रोजा रखेंगे, जिसका दौरानिया तकरीबन 20 घंटे होगा। नेमत का खजीना है मौला। जर्मनी और स्वीडन में 19-19, डेनमार्क और बर्तानिया में 18.5, जबकि बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में इस साल 18 घंटे तवील रोजा होगा। कनाडा, रूस, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में मुसलमान 17 घंटे, जबकि स्पेन, चीन और तुर्की में 16.5 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। दुनिया के अक्सर ममालिक में मुसलमान 15 और 16 घंटे का रोजा रखेंगे। 2020 में पाकिस्तान में रोजे का दौरानिया 15.5 घंटे, सऊदी अरब, भारत और बांग्लादेश में 14.5 घंटे का रोजा होगा, जबकि इस साल सबसे छोटा और कम दौरानिये का रोजा अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 11 घंटे का होगा। अल्लाहु, 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 अल्लाह। सच शुक्र है उस रब्बुल इज़्ज़त का कि ये मुबारक महीना हमें अता किया गया, और यकीनन आप कहीं पे भी हैं, मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े पूरे किए जाएं। इस दफ़ा पूरे अहले पाकिस्तान तकरीबन 15.5 घंटे का रोज़ा रखेंगे, और अल्लाह ताला से उम्मीद यही है कि इसमें आसानियाँ हों। लेकिन आपको बताते चलें, इस दफ़ा की मेरी ट्रांसमिशन, क्योंकि रमज़ान मुख्तलिफ है तो हमने भी भरपूर तैयारी की है, आपको बताते चलें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारे सेट पे आप कम लोगों को देखेंगे। हमारा रابطہ ज़्यादातर हमारे मेहमानों से स्काइप के थ्रू या वीडियो कॉल के ज़रिए होगा। इसके अलावा कुछ रिवायती और कुछ नित नई रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। टीम सदरा इकबाल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें यकीनन आप देख सकते हैं कि आज जो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, दिस इज़ बाय आइज़ास क्रिएशन। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वो तमाम लोग किसी भी नेटवर्क में अगर आगे बढ़ के एज़ एसेंशियल सर्विसेज, यानी चाहे वो कैमरे के सामने हों, कैमरे के पीछे हों, PCR में हों, साउंड में हों, ये तमाम लोग आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बाहर निकलें। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस मुबारक महीने में हमारे काम में आसानियां पैदा करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बारान रहमत रमज़ान विद मी सिद्रा इकबाल। हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, और यकीनन आप भी इन मुबारक सातों में हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आपका मेरा रابطہ सिर्फ इस टेलीविज़न स्क्रीन पे नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया पे भी होगा। तो अगर अभी तक आपने आज पाकिस्तान का पेज नहीं लाइक किया या मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करे, यू आर गोइंग टू मिस आउट, क्योंकि उस पर मैंने थोड़ा आपको बिहाइंड द सीन्स एक्शन भी दिखाया है, कितनी बड़ी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, और कुछ एक्सक्लूसिव बातें उसमें भी होंगी। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम अब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कुछ मेहमानों से। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त, लेकिन उनमें से सबसे पहले यहाँ पे मैं यशफीन को खुशामदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम यशफीन, क्या हाल चाल है? आप देख सकते हैं यशफीन ने मेरे साथ मैचिंग भी की हुई है, ये देखें दिल से दिल को राह होती है ना। अच्छा, आगे प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक महीना है और पहला रमज़ान भी है, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप दुरूद शरीफ से शुरुआत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह।
और कोई भी मुश्किल और आजमाइश का वक्त ही क्यों ना हो, नाम रसूल लेके हम यकीनन इस मुश्किल को पार कर लेंगे। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि आज का सवाल जो मैंने आपसे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे किया है कि मौजूदा सूरत हाल हमारी सज़ा है या हमारे लिए इम्तिहान, इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि आज एक मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सामिया, जो कि एक वीडियो भी बना रही हैं साथ साथ। बना रही थी। क्या हाल चाल है सामिया? रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक, बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद होने का। अच्छा जी, और अब क्योंकि न्यूट्रिशन से ही जुड़े मामलात होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और खुसूसन इस वबा के होने से हमें अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं इरम जावेद। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और मेडिकल एस्थेटिक भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे आमद का। इरम, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी है और 15.5 घंटे का रोज़ा है, तो क्या हमारी आइडियल सहरी होनी चाहिए? हमारी आइडियल सहरी में हमें इस तरह, पहले तो हमें इस चीज़ को क्लियर करना है कि हमने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, हमने डाइटिंग नहीं करनी। क्योंकि लोग जैसे ही रमज़ान आता है वो सब चीज़ें भूल कर वो डाइटिंग के ऊपर आ जाते हैं, वेट लॉस के ऊपर। तो आपको अगर आप सक्सेसफुली वेट लॉस कर भी लेते हैं इसमें, तो वो दोबारा से वापस आ जाता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप ख़त्म करें कि आपने ये वेट लॉस के, आपने ये 30 डेज वेट लॉस में गुजारना है। क्योंकि अगर आप वेट लॉस के उस प्रोसेस में जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो कम होती है, आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते, तो आप 2-3 डेज के बाद आपका वो लेवल जो स्पिरिचुअली हमें गेन करना है, एक्चुअली तो डिसिप्लिन हमने अटेन करना है ना, लेना है, तो हम वो भी अपना हमारे से लूज हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए आप प्रॉपर डाइट अपनी सहरी में, आप प्रॉपर अपने हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम ज़्यादा देर फुलर रहेंगे, ठीक है। और हाई फाइबर डाइट और क्लीन ईटिंग करनी है आपने इसमें। अब आपने सिर्फ एक समझने वाली बात इसमें ये भी है कि आपका सिर्फ एक मील स्किप हो रहा है, तो प्लीज ओवरडोज मत करें अपने आप को। वैसे आप सही कह रही हैं, कोशिश और ख्वाहिश सबकी यही होती है कि रमजान मुबारक में वेट लॉस हो, लेकिन अमूमन हम ज्यादा खा रहे होते हैं। तो अब मुझे बताएं कि वजन तो बढ़ रहा है लेकिन इम्यूनिटी अभी भी लो है, वो कौन सी चीजें जिनसे हमें परहेज करना चाहिए? देखिए, उसमें अगर आप क्लीन ईटिंग करेंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब हम क्लीन ईटिंग नहीं कर रहे ना, उसमें अगर हम ये कर रहे हैं कि हम जंक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और एक कोई भी एक फूड ग्रुप को आपने डीमन नहीं बनाना, आपने सब फूड ग्रुप्स को लेना है, ठीक है, जिसमें फाइबर आपने जरूर लेना। आप ये मत करें कि जी आप प्रोटीन डाइट पे चले जाएंगे। आप प्रोटीन पे अगर आप स्टार्ट में प्रोटीन है तो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी अल्लाह इस टाइम पे खुद ही डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप बस एक नॉर्मल प्रोपोर्शन के साथ खाना खाएं, पोर्शन कंट्रोल नहीं करने, प्रोपोर्शंस कंट्रोल करने। अब प्रोपोर्शन कंट्रोल में आपने ये करना, आपने बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स और बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी नहीं लेने, क्योंकि इससे भी फ्रुक्टोज जाता है आपका और ये आपको ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने नॉर्मल अपना हेल्दी डाइट आपने इस तरह से लेना है कि आप अपना जो सुबह में अगर आप पराठे की जगह आप रोटी लें, लेकिन आप देसी घी लगा लें। अब उसमें पराठे की, आप वीट अगर नहीं लेना चाहते आप मत लें, आप ग्रेन्स ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्रेन्स हैं, ओट्स हैं, बाजरा है, जिसको जो सूट करता है, बेसन की रोटी है, आप देसी घी लगा के वो लें। एक आप साथ अंडा लें और आप दही लें, और लस्सी अगर आप लेना चाहते हैं वो लें, आप मिल्क अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा। लेकिन इरम, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस वक्त ज्यादातर लोग घरों में महसूर हैं पिछले एक महीने से, तो बाहर का चटपटा खाना जो बहुत हमें जंक फूड की आदत थी, बर्गर्स की, चाट की, और आई डोंट नो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो हमें मिल नहीं रही हैं, तो बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ है और उसका कोई हेल्दी वर्जन है जो हम घर में बना सकें? देखिए, इसका सारा जो, जब आप मसाले और वो जो आप यूज़ करेंगे, ऑयल्स यूज़ करेंगे, जाहिर है बाहर वाले तो री यूज़ हो रहे होते हैं, तो अगर आप घर में वही चीज़ बना कर दे रहे हैं, एक तो हाथ बार बार धोने से साफ खाना तो बनेगा ही ना, तो उससे वो है कि वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, देखें, बच्चों को या आप बड़ों को, सबको समझने वाली बात ये कि सिर्फ आपका एक मील स्किप हो रहा है, तो इसलिए किसी को इतना बड़ा लॉस नहीं, वो तो बच्चे सो के एक या दो मील स्किप कर देते हैं। अच्छा, बल्कि इसी बात एब्सोल्युटली, एक तो इम्यूनिटी आपने स्ट्रांग रखनी है, इसको हम आगे लेके चलते हैं इसी टॉपिक को। अब हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, यकीनन तिब्बे नबी क्योंकि जानते हैं तो इसी रूह से हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको भी रमज़ान। इस वक्त आपसे जानना ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में हज़ारों लोग कोरोना की वबा से मुतासर हो चुके हैं, हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो एक खौफ का भी आलम है। क्या कहेंगे लोगों को जो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इस वबा का शिकार नहीं होना चाहते, वो क्या एहतियात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सिदरा, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
और ये जो सवाल आपने पूछा है कि ये कोरोना वायरस 5 माह का हो चुका है, तो हकीकत है, आपने बहुत सही बात कही कि 5 माह का ये कोरोना वायरस हो चुका है और दुनिया में इसने बड़ी तबाहियां मचा दी हैं, बहुत लोगों का नुकसान, मुल्कों का नुकसान, दुनिया का बहुत नुकसान किया है। बिल्कुल। और इसकी एहतियाती तदाबीर जो आप पूछ रही हैं, वो एहतियाती तदाबीर तो यही हैं कि इंसान कम से कम घर से बाहर निकले, और अगर बाज़ार भी जाना है तो उसके लिए कपड़े अलग रखें बाज़ार जाने के लिए, वो कपड़ों को पहनें और फिर बाज़ार जाएं, और जब गाड़ी में बैठें तो भी एक डिटोल का स्प्रे बना लें, वो गाड़ी के अंदर भी स्प्रे कर लें हैंडल्स पर, सीट्स पर, और बाज़ार से जो भी सामान ख़रीदें तो शॉपिंग बैग्स वगैरह पर भी ऊपर भी आप सामान अंदर महफूज रहे लेकिन स्प्रे करके वहाँ पर, अब गाड़ी में स्प्रे मौजूद होगा तो स्प्रे कर लें, फिर उसके बाद जब वापस आएँ तो अपने ऊपर सबसे पहले स्प्रे कर लिया जाए डिटोल का, और सामान पे फिर कर लिया जाए, और जो जूतियां हैं अपनी एहतियात हम कर सकते हैं, बाहर जाने की जूतियां उन पर भी स्प्रे वगैरह। अच्छा आगा साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूं, फिर घर में जाके जब स्प्रे कर लिया अपने आप को, घर में अंदर दाखिल होके फिर जाके कपड़े चेंज किए जाए, नहाना धोना गुसल करना ये सब किया जाए, उसके बाद उन कपड़ों को ला के बाहर धूप में टांग देना चाहिए। बस ये ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर यही हैं कि घर से बेजा बिला ज़रूरत बाहर ना निकला जाए, क्योंकि बेजा बिला ज़रूरत अगर बाहर निकलेंगे तो उसमें नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि मार्केट में आप तो डिस्टेंस रख रहे हैं दूसरों से, लेकिन दूसरे लोग आपसे डिस्टेंस नहीं रखते। वैसे आपने बिल्कुल सही बात की आगा साहब, इसकी वजह से कि कई ऐसे स्टोर्स भी थे जिन्होंने कहा कि हम एहतियाती तदाबीर SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन लोगों का रश इतना है, हुजूम इतना है कि जब ये ना हो पाया तो उनको भी शट डाउन करना पड़ा। लेकिन देखें, जब बाहर निकलना नागुजीर हो और आपको वापस आके आपने ये तमाम एहतियात कर भी दी, बार बार ये बात की जा रही है कि हमारी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ टिप्स दीजिए कि कुव्वत मदाफियत को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है। कोरोना वायरस कुव्वत मदाफियत किन चीज़ों से बढ़ेगी, ये उसका क्लिप है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सिदरा, इसकी जो नुस्खे हैं जो इस्तेमाल किए जाएं, तो उनसे हम उन नुस्खों को इस्तेमाल करके हम कोरोना वायरस से यकीनन महफूज रह सकते हैं। वो नुस्खे ये हैं कि एहतियाती तदाबीर तो मैंने जैसे आपसे बताई, उसके अलावा घर में रह के लोग किन नुस्खों से इस्तफादा हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि अदरक और अजवाइन थोड़ा सा कहवा बना लें, थोड़ी सी अदरक को उबालें और अजवाइन को उसके साथ हल्की सी पाव चमचा अजवाइन डालें और एक तकरीबन 1 इंच की अदरक डालें, उसका सूप कह लीजिए या कहवा कह लीजिए वो बना लीजिए, और उसको बनाने के बाद उसको छान कर 1-2-3 मिनट में बन जाता है, छान के उतार लें इतना सा, आधी प्याली के करीब, दिन भर में 2 टाइम भी पी लेंगे तो अफाका होगा इंशाल्लाह, और ये कोरोना वायरस या इस वबा से इंसान महफूज रह सकता है। दूसरी तरकीब यह है कि 2 केले ले लीजिए और केलों को छीलने के बाद 1 प्लेट में रखें और उसके ऊपर शहद थोड़ा सा डालें, शहद डालने के बाद उसको हल्का हल्का ऐसे करके कचूमर बना लीजिए और वो खा लीजिए, तो उसको खाने से भी इम्यून पावर बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी में ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफियत बन के बीमारी को आपकी बॉडी के अंदर आने नहीं देते हैं, बॉडी के अंदर असरअंदाज होने नहीं देते हैं, तो वो जंग लड़ते हैं इंसान की, दिफाई जंग लड़ते हैं इंसान की, तो वो कुव्वत मुदाफियत आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है जिसको इस्तेमाल आराम से लोग कर सकते हैं, दालचीनी का इतना सा पीस, बस इतना सा पीस एक थोड़े से कप में 1 मिनट उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसको छान के वो भी चलते फिरते पी लीजिए, इससे क्या होता है, इससे इंसान का गला ख़राब नहीं होगा, सीना ख़राब नहीं होगा, और इंसान आराम से गुजर बसर कर सकता है, इस बीमारी के लगने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसान की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। इसके अलावा गर्म पानी पीना चाहिए, इसके अलावा भपारा, गर्म पानी का भपारा जिसको स्टीम कहते हैं वो लेना चाहिए, अगर स्टीम लेते वक्त थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, उसकी स्टीम लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा, ये नज़र से हम देख रहे थे कि ये हमारे पास मुफीद हैक्स मौजूद हैं, टोटके आप इनको कहना चाहें, रहनुमाई कहना चाहें। इरम, आप क्या कहती हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए जो घरेलू हमारी चीज़ें होती हैं उनका इस तरह इस्तेमाल करने से वाकई वी विल गेट स्ट्रॉन्गर? आप उनका इस्तेमाल ज़ाहिर है फ़र्क डालता है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से नहीं ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने अंदर अपने मेटाबॉलिक रेट्स को स्ट्रॉन्ग करें कि जो आपको ये बीमारी लगे ही ना। जैसे देखें, अगर आपको बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, डिहाइड्रेटेड भी वो होते हैं, और फिर उसके बाद जब वो इस टाइप के फिर लैक ऑफ स्लीप की वजह से कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो ये सारे जब आपके गट सही नहीं है ना, तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी अटैक होती हैं। मैडम, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती थी, व्हाट अबाउट साइकोसोमैटिक सिम्टम्स? यानी हम इतना सुन रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, और बार बार उस पर हो रही है कि भाई खांसी हो, नॉर्मल अगर आपके कोई फ्लू की अलामत हो तो यू नीड टू पे अटेंशन। तो क्या आपको लगता है कि हम में से कई लोग इमेजिन भी कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई सिम्टम नज़र आ रहा है अपने अंदर? नहीं, इमेजिन मुझे नहीं लगता कि कर भी रहे होंगे। जो असल में डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फील करते हैं चीज़ों को। अगर आप अपने आपको ये मतलब मुझे तो ये लगता है ये टाइम जो अगर आपको मिला है तो ये अपने आप को लर्निंग प्रोसेस भी है इसमें। अगर अब आप हर चीज़ को एक नेगेटिव पॉइंट से देखेंगे तो हर चीज़ आपको लगेगा कि आप भी आपको कोरोना होगा। आप क्योंकि जी शेफ सामिया ने पकाना शुरू कर दिया है और खुशबुएं इतनी जबरदस्त आ रही हैं। मैं सामिया की तरफ आती हूँ, लेकिन साथ साथ हमें एक जो बड़ी अहम चीज है, अगर खुदा ना खासा किसी का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो घर में रह के अपने आप को आइसोलेट करे। आगा साहब, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि जिसका कोरोना का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो घर में रह के अपनी डाइट में या किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ शामिल कर सकता है जिससे ये टेस्ट फिर नेगेटिव हो जाए या वो जल्द अज जल्द इसको काबू पाया जा सके? ये अगर किसी को खुदा ना करे कोरोना वायरस हो गया है या ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं कि छींकें ज़्यादा आ रही हैं, बुखार शिद्दत से चढ़ रहा है, और वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी नुस्खा मालूम चले कि जिससे हम महफूज रह सकें, तो कलौंजी जो है सुबह सादिक में, यानी कि रात का आखिरी पहर होगा, सुबह सादिक नमाज फजर से एक घंटे पहले या आधे घंटे पहले खा लें। तो सुबह सादिक नमाज फजर से एक घंटे पहले का टाइम रख लीजिए, वह रात का आखिरी पहर कहलाता है। सही। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर रात के आखिरी पहर में कलौंजी खाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंसान को पहुँचता है और कुव्वत मुदाफियत बहुत बढ़ जाया करती है। तो रात के आखिरी पहर में कितनी खानी है, 20 से 21 दाने, या बहुत ज़्यादा हो तो 25 दाने, बस 25 दानों से ज़्यादा नहीं खाएं। रात को ऐसे हाथ हथेली पे निकाल के 7 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़िए, और पढ़ने के बाद फांक लीजिए और पी लीजिए, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। वो ऑयल जब आपके पेट में जाके वो दाने जब फूटते हैं तो वो ऑयल भी आपको फ़ायदा करता है, वरना ऑयल क्या होता है, मुंह में लगा रह जाता है, वो पेट में सही से जा नहीं पाता है। तो कलौंजी को रात के आखिरी पहर में खाया जाए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि अगर किसी को फेफड़ों के अमराज हो जाए, यानी कि फेफड़ों में बीमारी आ जाए और खांसी शदीद होने लगे, तो उससे बचने के लिए अगर दोनों पैरों में मोज़े पहन लिए जाएँ, एक बारीक से मोज़े दोनों पैरों में पहन लिया जाए। अब यानी कि अगर किसी को कोरोना हो गया है और वो चाहता है कि मैं इससे महफूज रहूँ, तो वो दोनों पैरों में एक बारीक बारीक से मोज़े पहन ले। तो उस मोज़ों को पहनने से क्या होगा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बुरी मौत वो शख्स नहीं मर सकता, यानी कि कोरोना से तो बहुत बुरी मौत होती है, सांस इंसान को नहीं आता, तो फेफड़ों में जो मर्ज लगता है वो नहीं लग पाता और इंसान की जान उसमें नहीं जाती है। तो मौला के ये ख़ास तौर पे ये अल्फाज हैं कि वो शख्स जो मोज़े पहन लेगा, अगर किसी को फेफड़े में मर्ज लग गया है, फेफड़ों के अमराज हो गए हैं, खांसी शदीद आ रही है, रुक नहीं रही है, वो अगर दोनों पैरों में बारीक से मोज़े पहन ले तो उसको बुरी मौत उसकी वाकई नहीं होगी, बुरी मौत में नहीं मरेगा। तो लोग ये इससे इस्तफादा करें। और इसके लिए मैं एक दुआ भी बताता हूँ, सजदे में सर रख के वजू कर लें, नमाज के आखिर में कर लें, या वैसे भी वजू करने के बाद मुसल्ले पे जाएं और सजदे में सर रखें, और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, और दरमियान में
सात मरतबा बुलंद आवाज से पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। फिर उसके बाद जब सात मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़ लिया, फिर उसके बाद दस मरतबा बोलें या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दस मरतबा ये कहने के बाद, अल्लाह को पुकारने के बाद, फिर आप अपनी दुआ मांगें कि परवरदिगार मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व अक्रबा के लिए भी दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें और अपने घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए दुआ करें, जितने भी आपके दोस्त हैं अहबाब हैं सबके लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। बेशक वो अलकाबात हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कुरान हकीम की तरफ से और जितने औलिया इकराम गुजरे हैं उन्होंने हमें सलीका सिखाया है कि अल्लाह ताला से मांगना कैसे है। या रहमर राहिमीन यानी तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम बेशक अल्लाह को ही पुकार रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हमारी इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू भी करेंगे, आपको किचन में भी लेके जाएंगे और बहुत सारी और दिलचस्प बातें हैं जो आपसे शेयर कर दी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बारान-ए रहमत। अब हम मौजूद हैं हमारे किचन में जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सामिया। शेफ सामिया क्या बनने लगा है आज, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है आज हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि रमजान के अंदर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो और साथ खैरियत से ये रोजे और पूरा रमजान हमारा गुजरे बहुत खुशी असलूबी के साथ। आज आपको पता है कि रमजान के अंदर जब तक रोल समोसे पकौड़े ना हो तो वो अफतारी ही नहीं होती है। और आजकल तो आपको पता है कि सारे लॉकडाउन की वजह से सब शॉप्स बंद हैं, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो घर के अंदर माओं पे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट भी करना है। और आजकल सिर्फ एक फूड ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो हैप्पी फील करा रही है कि हम कहीं ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना मिल सकते हैं, तो खाना एक हमारी एक एंटरटेनमेंट का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। तो रोल तो सब मांडा पट्टी से बनाते ही है, मैंने आज ब्रेड से रोल बनाए हैं, यानी कोई कसर ना छोड़ना बहन तो मोटा करने में। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और हो सकता है आज बहुत सारे बच्चों का पहला रोजा भी हो। अच्छा, बट दैट मींस कि हम इसको अगर घर में चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी बना एग्जैक्टली बना सकते हैं। और जो कीटो में है तो वो लोग ऑब्वियस है कि अपने जो आलमंड ब्रेड होती है उसको आप कोकोनट ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा बताए, तुमने कीटो की बात की ना तो मुझे याद आ गई मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी कॉलीग और हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद भी है। मैं बात कर रही हूँ सानिया सईद की, पाकिस्तान की मायनास फनकारा है और यकीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सानिया आपा, और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। हम कीटो की अभी जब लास्ट हम गप लगा रहे थे तो ये बात कर रहे थे, आप बताइए ओवरऑल मौजू यही चल रहा है कि रमजान में फिटनेस का भी ख्याल रखना है, तो आप कैसे ख्याल रखती हैं फिटनेस का ड्यूरिंग रमजान? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल रात तक हमारे खाने के औकात बिल्कुल मुख्तलिफ थे और आज से बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा चेंज तो यही होता है और सिस्टम को इसके साथ एडजस्ट करने में वक्त लगता है। सिस्टम को इसके साथ एडजस्ट करने के लिए वक्त दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसलिए सिस्टम पे जोर मत डालिए, हल्का खाइए, सब्जियाँ खाइए, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत पानी पीजिए। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी से शिद्दत की तरफ मायल हैं, तो घर का खाना खाइए, सब्जियाँ खाइए, फ्रूट खाइए, फल खाने की कोशिश कीजिए, जिन दोस्तों को मैसर हैं वो तो खाएँ कम से कम, और जब खुद खाएं तो एक छोटा सा हिस्सा निकाल के अपने किसी दोस्त के लिए भी रखिए जो इस वक्त नहीं शायद खुद से खरीद के खा पाएंगे। एहसास की बात होती है, आपने बिल्कुल सही तरह इशारा किया कि ना सिर्फ अपना ख्याल रखें, घर में हम खाना खा रहे हैं वो लोग जो शायद इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी हमें ख्याल रखना है। लेकिन मुझे बताएं सानिया, इतनी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है सामिया, पूरा महीना लोग घर में रहे हैं, घर ही में पकाते रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया ये इतने बड़े चेंज के बाद? मुझे ये लगता है कि हम अपनी फैमिली से और करीब हो गए हैं, हमें उन्हें जानने का मौका मिला है। एक ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को या अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को नहीं जान पाते या मुलाकात नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, जो कि एक
मेरे ख्याल से बहुत बुरा था और हम बहुत प्रिविलेज लाइफ जिंदगी गुजार रहे थे, सिर्फ मटेरियल स्टेक, हमें ये खाना, हमें वो पीना, ये ब्रांड, वो चीज़ें। एटलीस्ट हमें सब्र और शुक्र आया है, एटलीस्ट हम लोग एक सिमट गए हैं, हमें अल्लाह के करीब हो गए, हमें एहसास है कि शायद हम हर कोई, मैं जिससे भी मिल रही हूँ ना, हर कोई कहता है शायद हमसे कोई गुनाह हुआ है। हर यही सवाल मैंने लोगों से भी किया कि क्या आपको लगता है कि ये सज़ा है या इम्तिहान है। अच्छा, मैं सानिया आपा के पास वापस जाना चाहूँगी। सानिया आपा, हमने जो घरों में वक्त गुजारना शुरू किया है, सामिया तो कहती हैं कि रिश्ते और हमारे लिए अहम हो गए, करीब हो गए हैं, इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? करोना से होंगे हम सब अफेक्ट माशी तौर पे शदीद तरीके से, क्योंकि सारी दुनिया की इकॉनमी अफेक्ट होगी, हम ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे, हर इंडिविजुअल होगा, लाइफस्टाइल्स में ड्रास्टिक तब्दीली आएगी। लेकिन उससे ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है साइकोलॉजिकल होगा। एक तो फियर रहेगा बहुत अरसे तक, ये खौफ के जरासीम ना लग जाए आपको, तो वो लोग जो पहले से इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, मसलन ओसीडी है या पैरानोया है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। बच्चे जब आप स्कूल जाएंगे, उनके लिए बिल्कुल वो सब डिसिप्लिन से निकल चुके हैं, इस वक्त वापस जाकर दोबारा रूटीन में आना उनके लिए मुश्किल होगा। हम जब घरों से काम करके वापस अपने कारोबारों की तरफ जाएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है तो वापस उसी लाइफस्टाइल में जाना। उम्मीद मुझे ये है कि कुछ ख़राब असरात तो होंगे ही, कुछ अच्छे भी होंगे। हम ये रिकग्नाइज़ करेंगे कि कितनी एक्टिविटी हमारी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी है, हम कितना यहाँ वहाँ भागते हैं। अच्छा सानिया आपा, आपने यहाँ पे कारोबार का और वापसी में जाने का जिक्र किया, आपका और हमारा शोभा भी तो ऐसा है जिसमें बहुत हम पब्लिक फेसिंग हैं, यानी किसी भी शूट में किरदार अगर आपको कैमरे के सामने कम नज़र भी आ रहे हों, पीछे एक पूरी टीम होती है। तो आपको क्या लगता है, शोबे स्टार्स इस वक्त शूट्स नहीं हो रही हैं, घरों में महसूर हैं, बहुत सारे लोगों को तो हम सोशल मीडिया पर एक्टिव देख रहे हैं, लेकिन ये वापस कब रौनक दोबारा आएगी और दोबारा रीशूट होने लगेंगी चीज़ें आपके ख्याल में? इस वक्त लोगों को घरों में रखने में सबसे बड़ा हाथ शायद फनकारों का है, क्योंकि वो उनको इंगेज्ड रख रहे हैं, एंटरटेन्ड रख रहे हैं, हर तरह के फनकार, तो मेरा ख्याल है तो वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। दूसरे सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, आई थिंक दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। हम मैसेंजर्स ही तो हैं ना, हम सिर्फ पैगाम पहुँचा ही सकते हैं। अगर कोई और हमारे फनकारों के तो बहुत फॉलोअर्स हैं, तो अगर वो सिर्फ ये मैसेज बार बार भी पहुंचा रहे हैं कि एहतियात करें एहतियात करें, तो भी आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर और वो बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। उसके अलावा वो ये भी कर रहे हैं कि और चीज़ें भी साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा बहुत सारे दोस्त हमारे, मुझे नहीं पता था वो लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं या वो गाते हैं, तो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, रेसिटेशंस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे फनकार दोस्त बहुत सारी एक्टिविटी में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जहाँ राशन पहुँचाया जा रहा है या मेडिकल हेल्प दी जा रही है, तो आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे साथी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तमाम एक्टिविटीज एक ही जो फनकारों की है उसको भी उभार कर लोगों के सामने लेके आ रही है। मुझे सामिया से रेसिपी भी सुननी है, लेकिन आपसे इस मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी मुनासबत से भी और रमजान की मुनासबत से भी मेरे व्यूअर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहें आप। ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, और ये तो महीना ही ऐसा है जहाँ पे हमें ज़्यादा, ये महीना हमें अता ही इसलिए हुआ है ताकि हम ये सीखें कि एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखना है, एक दूसरे का एहसास करना है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा एहसास यही है कि हमसे दूसरा आदमी महफूज हो सकता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और मुझे पता ही ना हो, या मैं कैरियर हूँ और मैं गैर इरादी तौर पे आपको इन्फेक्ट कर दूँ और आपकी तकलीफ
या खुदा ना खास्ता मौत का सबब बन जाऊं, तो इस वक्त तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं खुद को आपसे दूर रखूं। यकीन इस वक्त शायद सबसे बड़ी और इस जिम्मेदारी को समझना भी बहुत 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 शुक्रिया सानिया पा हमारे साथ मौजूद होने का। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी सामिया, आपकी तरफ आते हैं, क्विकली रेसिपी बता दो या फिर उसके बाद फ्राइंग पर जब तुम जाओगी वो हम वापस आगे करेंगे। मैंने सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया। आपको पता है डालडा कुकिंग ऑयल बहुत हेल्दी है। मैंने बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, ऑलमोस्ट टू टेबल स्पून। उसके साथ गार्लिक, चॉप गार्लिक मैंने इस्तेमाल किया ताकि उसका जो करूमा है वो बहुत अच्छा आए। उसमें मैंने चिकन, बोनलेस चिकन के बहुत छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। अगर आपके पास घर में चिकन का कीमा है जो थोड़ा मोटे है हाथ का, या अगर आपके पास रेडीमेड मौजूद है तो आप उसमें हल्का सा उसको शेलो फ्राई करेंगे, बहुत हल्का सा, ताकि उसका जो पानी है वो खत्म हो जाए और वो हल्का सा फ्राई हो जाए। पिंक कलर की होती है तो व्हाइट हो जाए, एग्जैक्टली व्हाइट हो जाए। उसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर ऐड किया है, ब्लैक पेपर, रेड क्रश चिली एंड सॉल्ट। इस बात की गवाही मैं दे सकती हूँ, क्योंकि जब ये विनेगर ऐड हुआ था मुझे वहां बैठे पता चल गया था वो मजे की उसकी खुशबू होती है ना। और मुझे गार्लिक और विनेगर की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन लगता है कि एक बहुत अच्छा रूमा होता है और आप बहुत रिफ्रेश फील करते हैं कि आपका दिल चाहता है कि जो भी पक रहा हो वो बहुत जल्द या तो स्पेगेटी की शक्ल में आ जाए या पास्ता की शक्ल में आ जाए या कोई इस किस्म की फीलिंग हो। अच्छा, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैंने इसमें सिर्फ 3 सब्जियां ऐड की है। सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो आप अपने बच्चों को इस वक्त वेजिटेबल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखें ताकि उनको कोई दाने ना निकले। न्यूट्रिएंट्स भी है उसमें, पानी भी है, तो बेहतरीन। और वो जो बच्चे रोजे से हैं तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि घर के अंदर ही है, कोई एक्टिविटी तो है नहीं। तो इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, गाजर और जो बंद गोभी होती है, तो ये इसकी फिलिंग बन गई। जल्दी से सामिया फिर ये बताओ कि इसको ब्रेड, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल ये होता है इसको रोल कैसे करें। सिंपल ये रोल किया, मैंने इसके किनारे भी नहीं कट किए क्योंकि पूरी ब्रेड खानी चाहिए, पूरी ब्रेड खानी चाहिए। आजकल तो कुछ जाया नहीं करना, कुछ जाया नहीं करना चाहिए। ये मैंने इसको सिर्फ हाथ से इसको फैलाया है। ओके, आपने इसको थोड़ा सा इसकी फिलिंग साइड पे रखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह आप इसकी फिलिंग रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लेते हैं अब सामने एक ब्रेक और उसके बाद वापस आके इसका फोल्ड आपको दिखाएंगे और फिर ये फ्राई भी होगा। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बारान-ए-रहमत।